पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आम बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि आम बजट चुनाव के बाद पेश किया जाए। विपक्ष की इस मांग पर चुनाव आयोग ने सरकार से जवाब तलब किया है। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर 10 जनवरी तक जवाब मांगा है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट सचिव की राय के बाद चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सरकार के वैधानिक कदम में दखल नहीं दे सकता है, वह केवल सरकार को अपनी बात के लिए राजी कर सकता है। आपको बता दें कि पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा के ठीक एक दिन बाद विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि बजट को टाल दिया जाए। दरअसल 4 फरवरी से यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव होने हैं और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि सरकार बजट में लोक लुभावन घोषणाएं करके जनता को आकर्षित कर सकती है। यहाँ भले ही विपक्ष बजट को टालने की लाख कोशिशों में लगा हो, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि विपक्ष की ये कोशिशें ज्यादा रंग नहीं ला पाएंगी। चुनाव आयोग भी जवाब मांगने को एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।